नहीं लोग बोल रहे लोग बोल रहे हैं आप दूसरे क्यों? ट की तरह रंग बदलती है आरती ये बात हम क्यों कह रहे हैं हम आपको इस विषय में जानकारी देते जिस आरती को पाने के लिए छोटू ने अपना जान गमा दिया अब उसी आरती से शादी कर छोटू के बड़े भाई मन्नू यादव मीडियाकर्मी को गाली गलोज कर रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं आखिर मामला क्या है आइए आज हम आपको पूर्वक बताते हैं आज से पाँच महीने पूर्व आरती के परिजनों द्वारा प्रेम प्रसंग में छोटू यादव को बिजली की कैरेंट सटाकर वह पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी जिसके बाद आरती अपने घर को छोड़कर मृतक प्रेमी छोटू के घर पर ही आ गई और बिना किसी रिश्ते के वो छोटू के घर पर ही रहने लगी धीरे धीरे इस घटना को घटित हुए पाँच महीने से अधिक समय बीत गए छोटू और आरती की प्रेम कहानी इतनी बड़ी घटना जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंद पुस्थान वासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया था वही आरती बीते 25 नवंबर को गुपचुप तरीके से मंदिर में जाकर शादी कर ली इस संबंध में मीडियाकर्मी को भनक तक नहीं लगने दी अगले सुबह जैसे ही मीडियाकर्मियों को आरती की शादी की सूचना मिली आसपास के सभी मीडियाकर्मी छोटू के घर जा पहुंचा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरती से सवाल किया गया जो आरती कुछ दिन पहले अपने मृतक प्रेमी छोटू यादव की विधवा बनकर जिंदगी भर कुबारी रहने की बात करती थी वही आरती छोटू के बड़े भाई मन्नू यादव से कैसे शादी कर ली अपने मर्जी से शादी की या किसी के दबाव में आकर शादी की उसके बाद तरह तरह के सवाल जवाब होने लगा जिसके बाद आरती के पति व छोटू के बड़े भाई मन्नू यादव मीडियाकर्मी को गाली गलोज करने लगा और मारने का बात करने लगा जिसके बाद किसी तरह से मामले को शांत किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है इस विषय में आरती व मन्नू यादव दोनों गलती स्वीकार कर रहे हैं और मीडियाकर्मी से माफ़ी मांग रहे हैं दोनों को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि छोटू का मरने का गम न आरती को है और न छोटू के परिजनों को आरती शादी करके सही की है या गलत की है इस विषय में आप सभी कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं